नागपुर हलचल में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। गणेशपेट पुलिस की टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के करीब 2,20,000 रुपए का माल बरामद किया है। पकड़ा गया आरोपी सागर गणेश सिंह चौहान है और वह लोखंडे नगर प्रताप नगर का निवासी है। सागर शराबी है और अपनी इस लत को पूरा करने के लिए वह नागपुर शहर के कई पुलिस थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इससे पहले उसके ऊपर नागपुर शहर में चोरी के करीब 9 मामले भी दर्ज हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी ममता अशोक रघुवंशी मॉडल मील चौक गणेशपेट निवासी है, जिसके घर के आगे से आरोपी ने उसकी लड़की की दुपहिया गाड़ी नंबर MH31CT4328 चुरा ली थी। इसकी शिकायत फरियादी ने पुलिस से की थी। जांच के दौरान ही पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को संतरा मार्केट परिसर से संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने गणेशपेट पुलिस थाना अंतर्गत मॉडल मिल चौक के पास से दुपहिया गाड़ी चुराने की बात कबूल की। इसके बाद आरोपी के पास से पुलिस ने उक्त गाड़ी को बरामद कर लिया। बड़े दिनों बाद जिले में बुधवार का दिन कोरोना के नए पॉजिटिव मिलने के मामले में राहत भरा रहा। बुधवार को 4,394 सैंपलों की जांच तो हुई, लेकिन इन जांच में एक भी नया पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है, जबकि 11 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। बुधवार को जिन 11 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है, उनमें नागपुर शहर के 4 मरीज, ग्रामीण इलाकों के 3 मरीज तथा जिले के बाहर के 4 मरीजों का समावेश है। अब जिले में एक्टिव केसेस का आंकड़ा घटकर 70 पर आ गया है। इन 70 एक्टिव केसेस में शहर के 58 मरीज, नागपुर ग्रामीण के 11 मरीज तथा जिले के बाहर के 1 मरीज का समावेश है। बड़े दिनों बाद ऐसी स्थिति आने से स्वास्थ्य प्रशासन ने भी राहत महसूस की है, किंतु अब भी जिले में 70 एक्टिव कोरोना मामले बकाया है। नागपुर शहर में अभी तक मिले कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4,93,000 पर कायम है, जिनमें नागपुर शहर के 3,40,000, ग्रामीण इलाकों के 1,46,000 तथा जिले के बाहर के 6,850 मरीजों का समावेश है। 24 लाख रुपए नकदी लूट मामले में अपराधी स्नेहल उर्फ निहाल सोनकुसरे को क्राइम ब्रांच ने मुंबई से लौटते ही दबोच लिया। उससे 4,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इसके पहले व्यंकटेश उर्फ गोलू कोहार, उमेश सोनकुसरे तथा रूपलाल लिल्हारे को गिरफ्तार किया गया था। 25 सितंबर को लकड़गंज के चिंतेश्वर मंदिर के पास अहमदाबाद के व्यापारी कमलेश शाह के कर्मियों से चाकू की नोक 21 लाख रुपए लूट लिए गए थे। यह राशि हवाला की होने से हवाला व्यापारी और पुलिस में खलबली मच गई थी। गोलू, उमेश और उमेश की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस लूट में लिप्त विक्की, आकाश माहुरे, लकी सोनकुसरे तथा निहाल सोनकुसरे को खोज रही थी। निहाल के पास 4,50,000 रुपए थे। लूट के बाद अपना हिस्सा मिलते ही निहाल शेगांव चला गया। वहां से दर्शन करने के बाद वह मुंबई चला गया। उसके आज दोपहर नागपुर पहुंचने का क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 को पता लगा। PI प्रदीप रायनवार और उनके दल ने रेलवे स्टेशन पर दबीज देकर निहाल को गिरफ्तार कर लिया। निहाल ने लूट में मिले 4.5 लाख रुपए खर्च नहीं किए। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज है। यशोधरा नगर पुलिस थाना अंतर्गत ईटा भट्टी चौक के पास एक देसी शराब की दुकान में शराब लाने के लिए गए एक व्यक्ति की दुपहिया गाड़ी को अज्ञात आरोपी दुकान के आगे से चुरा ले गया। इस मामले में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के 5 गाड़ियों सहित करीब 2,20,000 का माल जब्त किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी 43 वर्षीय लोमेश वैद्यराम साहू गरीब नवाज नगर का निवासी है और वह अपनी हीरो स्प्लेंडर गाड़ी पर सवार होकर शराब लाने के लिए ईटा भट्टी चौक स्थित एक देसी दारू की दुकान में गया था। दुकान के सामने ही उसने अपनी गाड़ी पार्क की। देसी शराब की दुकान में शराब लाने के बाद जब वह वापस लौटा तो उसे अपनी गाड़ी दिखाई नहीं दी और इसकी शिकायत उसने पुलिस से की। जांच के दौरान ही पुलिस को सूचना मिली कि इस चोरी की वारदात को राजेश रमेश निषाद और श्रावण विश्वनाथ निषाद ने अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। आरोपियों ने फरियादी की गाड़ी चुराने की बात कबूल की।
नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 84वीं वार्षिक आम सभा बुधवार शाम 4 बजे सेवा सदन चौक सेंट्रल एवेन्यू स्थित चैम्बर के सभागृह में संपन्न हुई। इस मौके पर संस्था के तमाम सभासदों की भारी उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट आलोक डागा और चुनाव अधिकारी सीए संदीप जोटवानी की निगरानी में यह चुनाव हुआ। इस चुनाव में सीए कैलाश जोगानी अध्यक्ष, तरुण निर्वाण सचिव, प्रदीप जाजू वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गोविंद पसारी उपाध्यक्ष, वेणुगोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष, विवेक मुरारका व वसंत पालीवाल सह सचिव पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए, जबकि विष्णु कुमार पचेरीवाला निवर्तमान अध्यक्ष बने। संचालक मंडल के विजय जायसवाल, नितिन बंसल, विपिन पनपालिया, पुरुषोत्तम ठाकरे, शंकरलाल खंडेलवाल, नाथाभाई पटेल, देवकी नंदन खंडेलवाल, संजय पांडे, सुशील अग्रवाल, कमल कलंत्री, वासुदेव झामनानी, रविंद्र चांडक, लक्ष्मीकांत अग्रवाल, निकुंज पचेरीवाला, ऋषभ कुमार जिजानी, प्रशांत जग्यासी, आनंद जैन, जेरिन वर्गिस, मितेश कटारिया, गिरीश लिल्डिया, योगेश पालीवाल, मनोज बागड़ी व रामकृष्ण गुप्ता निर्वाचित हुए। इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष भागीरथ मुरारका, संतोष कुमार अग्रवाल व नीलेश अग्रवाल को विष्णु कुमार पचेरीवाला ने पुष्पगुच्छ देकर उनकी सेवाओं के लिए उनका आभार प्रकट किया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर विदर्भ फार्मेसी एसोसिएशन और तायवाड़े इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मश्री सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, कार्यक्रम के अध्यक्ष फार्मासिस्ट हरीश गणेशानी, महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल, विशेष अतिथि आईपीएस फेरिता साहू, नागपुर शहर पुलिस उपायुक्त फार्मासिस्ट मोनिका धवड़, ड्रग इंस्पेक्टर नागपुर, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र दीवे, फार्मासिस्ट विक्रांत चिलेट, प्रोफेसर तमगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, फार्मासिस्ट निखिल भूते, मुख्य संयोजक विदर्भ फार्मेसी एसोसिएशन और विशेष रूप से डॉक्टर गणेश मुक्कमवार, पूर्व डीन सरकारी आयुर्वेदिक रूमलाई नागपुर, नितिन रोंगे अध्यक्ष महाविदर्भ जनजागरण, दिलीप नरवाड़िया अध्यक्ष अखिल भारतीय उपभोक्ता कल्याण परिषद, फार्मासिस्ट अभिजीत दरवाड़े कोषाध्यक्ष विदर्भ फार्मेसी एसोसिएशन, फार्मासिस्ट कमलेश माचेवार डॉक्टर तायवाड़े कॉलेज ऑफ फार्मेसी प्रवीणा दाड़े की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में दिवंगत फार्मासिस्ट केदार जोशी और फार्मासिस्ट हिमांशु पांडे को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने कोविड काल में अपनी जान गंवाई। मानद रोगी सेवा व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे ने कहा कि फार्मेसी के क्षेत्र की समस्याओं को सांसद में पेश करेंगे और केंद्र सरकार समाधान निकालेगी। हरीश गणेशानी ने अपने मार्गदर्शन में विश्व औषधि दिवस के महत्व पर जोर दिया। पुलक जन चेतना मंच महल शाखा के प्रवक्ता व अनेक संस्था के पदाधिकारी, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर दीपक शेंडेकर तथा सदस्य महेंद्र नवलाखे ने जैनों का पवित्र शाश्वत तीर्थ क्षेत्र भी सम्मेद शिखरजी सिद्ध क्षेत्र मधुबन झारखंड में परम पूज्य अध्यात्म योगी श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के सानिध्य में आध्यात्मिक श्रावक साधना संस्कार शिविर में ध्यान योग, जिनेन्द्र अर्चना, आध्यात्मिक वाचना, सामायिक प्रतिक्रमण, संयमी राधनादि अनुष्ठानों में सहभागिता कर अपूर्व लाभ लिया। मौन एवं उपास करके त्याग और संयम का परिचय दिया। इनकी अनुमोदना करने के लिए महावीर यूथ क्लब परिवार एवं पुलक मंच परिवार की ओर से सम्मान किया गया। साथ में नागपुर से साधना संस्कार शिविर में सपत्निक सम्मिलित हुए डॉक्टर चंद्रनाथ भागवतकर व वासुदेव निनावे का भी श्रीफल दुपट्टा एवं मोती की माला पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर महाराज जी के पूजन व मंच प्रार्थना से हुई। महावीर यूथ क्लब परिवार के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश सावलकर व पुलक परिवार महल शाखा के कार्याध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र गड़ेकर ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन किशोर कहाते एवं आभार प्रदर्शन नितिन पलसापुरे ने किया। इस अवसर पर स्नेहल कहाते, अर्चना कहाते आदि मान्यवर उपस्थित थे। वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर डॉक्टर रिचार्ज यूनिक क्लिनिक की तरफ से सभी स्वस्थ रहे व शुभकामनाएं दी गई। अधिक वजन अक्सर ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक एवं डायबिटीज का कारण बन जाता है और सभी पोस्ट कोविड भी
लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम के पेशेंट बढ़ रहे हैं। डॉक्टर रिचा जैन ने बताया कि आज उनके पास विश्व स्तर की मशीन वेट लॉस के लिए लगी हुई है, जिससे यदि पेशेंट का वेट अत्यधिक हो गया है और वह एक्सरसाइज, योग एवं वॉकिंग करने में असमर्थ है, या उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर था, किसी भी तरह की बीमारी है, उन सभी पेशेंट के लिए भी डॉक्टर रिचार्ज यूनिक क्लिनिक में स्पेशल पैकेज दिए जाते हैं, जिसमें पेशेंट को लेटे लेटे एडवांस मशीन जैसे जर्मन मशीन, सेलोलाइट मशीन, टार्क प्लस मशीन, लाइपो लेजर, डायोड लेजर आर एक इसका लेटिंग मशीन द्वारा वह अपना अधिक फैट एवं इंचेस कम कर सकते हैं। यह सभी मशीन संपूर्णतः सुरक्षित एवं असरदार है, जिनमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन सभी मशीनों पर डॉक्टर रिचार्ज यूनिक क्लिनिक को लगातार 5 वर्ष बेस्ट वेट लॉस क्लिनिक नागपुर एवं महाराष्ट्र का पुरस्कार मिल चुका है। शहर की सुपरिचित गायिका अदिति सिरसवान ने अपनी मधुर आवाज में विभिन्न शैलियों के गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके गायन की विविधता से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। अदिति लाइव कॉन्सर्ट कभी कभी का आयोजन V5 एंटरटेनमेंट की ओर से मंगलवार को किया गया था। कार्यक्रम की कल्पना धर्मेश सिरसवान की थी और इसका निर्देशन अनिल पिल्ले और नितिन झाड़े द्वारा किया गया था। मुख्य गायिका अदिति सिरसवान थी और उनके साथ बहुगुणी गायक सुमित वंजारी भी थे। अदिति ने कमली कमली गाने से कार्यक्रम की शुरुआत की। सुरीली आवाज की धनी अदिति ने दीवानी मस्तानी, मोहरंग दे, मुंगड़ा, सात समंदर, दैया दैया, इत्ती सी हसी, चिठिया कलाइया, ये मेरा दिल, अधीरा मन झाले, तेनु इतना मैं जैसे कई आकर्षक गानों पर परफॉर्म कर दर्शकों को बांधे रखा। बहुत प्यार करते और कभी कभी अदिति इन गीतों से उन्होंने कार्यक्रम का अंत किया। कार्यक्रम का संगीत नंदू गुहाने ने तैयार किया था, जबकि मंच संचालक अमोल शेंडे ने अपनी अनूठी शैली से कार्यक्रम में रंग भर दिया। यह शो V5 एंटरटेनमेंट स्टूडियो से प्रसारित हुआ। खामला वासियों के लिए 10 दिवसीय फूड पल्स थेरेपी शिविर का निशुल्क आयोजन संत निरंकारी सत्संग मंडल सिंधी कॉलोनी खामला में किया गया है। शिविर के प्रथम दिन लोगों ने उत्तम प्रतिसाद दिया। शिविर का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। बुधवार को 94 लोगों ने शिविर का लाभ लिया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता विनोद चावला का सत्कार किया गया। इस अवसर पर पंचायत अध्यक्ष नारायण आहूजा, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर, जोन सभापति पविश्याम कुले, पार्षद दिलीप दिवे, सभी प्रभाग के पदाधिकारियों के साथ सिंधी कॉलोनी खामला के वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति रही। अजय अतकरे ने जानकारी दी कि शिविर में जटिल बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। पूज्य सिंधी पंचायत खामला, नानक सेवा खामला, संत निरंकारी सेवा मंडल खामला ने स्थानीय निवासियों से शिविर का लाभ लेने की अपील की है। अधिक जानकारी 9890129086 मोबाइल नंबर पर प्राप्त की जा सकती है। मनसे के राज्य महासचिव हेमंत गडकरी ने गोंदिया जिले में कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर नैना गुंडे और उनकी बेटी दिव्या गुंडे से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। जिला कलेक्टर नैना गुंडे ने हेमंत गडकरी और MNS गोंदिया के पदाधिकारियों को उनकी बेटी को बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर गोंदिया जिलाध्यक्ष मनीष चौरागढ़े व हेमंत लिल्लारे, उपजिलाध्यक्ष मुकेश मिश्रा, मानवी से श्याम पुनियानी, सुरेश ठाकरे व गोंदिया के अन्य महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी गण उपस्थित थे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत गांधी जयंती के उपलक्ष्य में दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर ने परिसर स्थित सभागृह में 2 एवं 3 अक्टूबर को रंगोली उत्सव का आयोजन किया है। रंगोली उत्सव का उद्घाटन 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध अभिनेता, दिग्दर्शक, निर्माता नितिश भारद्वाज एवं संस्कार भारती नागपुर महानगर अध्यक्षा कांचन गडकरी की विशेष रूप से उपस्थिति रहेगी। साथ में केंद्र निदेशक डॉक्टर दीपक खिरवड़कर भी उपस्थित रहेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस रंगोली उत्सव में देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रंगोली से सुंदर पोर्ट्रेट उकेरे जाएंगे। यह पोर्ट्रेट रोहिणी घरोटे एवं समूह द्वारा बनाए जाएंगे। पोर्ट्रेट रंगोली प्रदर्शनी 2 एवं 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी के लिए खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी में सभी सादर आमंत्रित है। नगर की सुप्रसिद्ध सामाजिक सांस्कृतिक संस्था ज्येष्ठ मित्र मंडल की ओर से जरीपटका के मातेश्वरी भवन में टैलेंट 2021 कराओ के स्पेशल का यादगार आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंडल अध्यक्ष अर्जुन दास आहूजा ने
प्रस्तावना रखकर की। सभी सदस्यों का परिचय देते हुए उन्हें मंच आमंत्रित किया गया। संचालन अशोक कुमार गांधी ने किया। महेश लालवानी, भावना लालवानी, अभिमन्यु चावला, सुरेश आहूजा, वैजयंती सचदेव, बुलचंद खुशालानी, धर्मेंद्र आहूजा, परसराम चेलानी, ओम प्रकाश हरवानी, रजनी शर्मा, मीना उत्तम चंदानी, चंदन वाधवानी, पुरुषोत्तम किशनानी, अर्जुनदास आहूजा ने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए अफसाना लिख रही हूँ। जिंदगी की यही रीत है, अब कहा जाए हम नीले नीले अंबर पे, ए मेरी जोहराज भी बेकरार करके हमें यूं न जाइए। है अपना दिल तो आवारा, कजरा मोहब्बत वाला, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहा, सहित सदाबहार नगमों की प्रस्तुति देकर समा बांधा। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित अभिनेत्री व मॉडल उषा आमेसर का मंडल की ओर से अध्यक्ष आहूजा ने शॉल श्रीफल सम्मान पत्र देकर सत्कार किया गया। कार्यक्रम के आयोजक सीए महेश लालवानी, सीए संदीप जोतवानी का भी सत्कार किया गया। आयोजन को सफल बनाने में राजेश चावला, अर्जुन जोधानी आदि की भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी विनकर आघाड़ी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आशा सेविकाओं का सत्कार किया गया। तांडापेट बसोर चौक हनुमान मंदिर समाज भवन के प्रांगण में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आघाड़ी सरकार के आशा सेविकाओं के ऊपर अन्याय हो रहा है, ऐसा भाजपा विनकर आघाड़ी के अध्यक्ष किशोर उमरेडकर ने कहा। कोरोना काल में जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मुलाकात के लिए आनाकानी करता था और इंसान ही इंसान का शत्रु हो गया था, ऐसे समय पर सरकार तक क्षेत्र की जानकारी पहुंचाने का काम आशा सेविकाओं ने परिवार की जानकारी सरकार को देने का काम किया। आशा सेविकाओं के कारण मोहल्ले, बस्ती और परिवार की जानकारी सरकार को मिली और इसी कारण इस महामारी पर नियंत्रण करने में प्रशासन को कुछ हद तक कामयाबी मिली। महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा विनकर आघाड़ी अध्यक्ष श्याम चांदेकर ने अपने भाषण में जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस कर्मचारियों का व महानगर पालिका के अधिकारियों का, महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का जैसा इंश्योरेंस किया, वैसा ही इंश्योरेंस आशा सेविकाओं को भी करना चाहिए, ऐसी मांग श्याम चांदेकर ने की। उसी तरह आशा सेविकाओं की वेतन में बढ़ोतरी की जाए। भारत रत्न से नवाजी गई विख्यात गायिका लता मंगेशकर को उनके जन्मदिन पर नागपुर के गायकों ने अनोखी भेंट दी। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए 100 गीतों पर प्रस्तुति देकर उनका 92वां जन्मदिन मनाया गया। रजनीगंधा म्यूजिक अनलिमिटेड और शिव इवेंट्स द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गायिका लता मंगेशकर को उनके 92वें जन्मदिन पर संगीतमय सलामी देने के लिए प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में गायकों ने लता मंगेशकर के एकल और युगल हिंदी एवं मराठी गीतों की प्रस्तुति दी। संगीता कामत ने तुम्हें और क्या दूं दिल के सिवा इस गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। परदेसिया ये सच है पिया, रिमझिम के ये प्यारे प्यारे, तुझे देखा तो ये जाना सना, तुझे संग प्रीत चोरी चा मामला, मेरे ख्वाबों में जो आए, दिल तो है दिल लग जा गले, नदी च किनारे लटपट तुझे चालना, जैसे हिंदी और मराठी गीत गाए गए। इस कार्यक्रम में प्रदीप अडुलकर, अंजलि दारवेकर, आरती किल्लेदार, आर्या विग्नाबे, विनोद भोयर, गीता बावनकर, शैला गोवर्धन, राजेश खरे, पद्याकर मस्के, मृणाल ताम्हन, जयंत दारवेकर, नम्रता सातफले, माधुरी पाकमोड़े, पूर्णिमा स्वामी, कल्पना जीचकार, अजय मुखर्जी, निकोलस पीटर व आर्या होशिंग सक्रिय रूप से शामिल हुए। किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा एक प्रेरक कारक है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे लक्ष्यों को पूर्णता तक प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, चूँकि स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियां अपने चरम पर थी, पूरे जोन के स्टेशनों ने स्वच्छ प्रतियोगिता पर अपने अंतिम दिन की थीम का आयोजन किया। संभागों एवं कार्यशालाओं द्वारा स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण एवं प्लास्टिक प्रतिबंध आदि विषयों पर निबंध लेखन, ड्राइंग एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मध्य रेल के मंडलों में स्वच्छता और स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक भी देखे गए। नागपुर मंडल पर अजनी स्टेशन पर धनवटे नेशनल कॉलेज के NCC और NSS छात्रों ने रेलवे परिसर और उसके आसपास स्वच्छता पर जागरूकता लाने के लिए एक स्वच्छता अभियान चलाया। बैतूल स्टेशन पर प्लास्टिक प्रतिबंध पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। नागपुर में गूगल मीट और गूगल फॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई।
अखिल विश्व श्री लोहाना महापरिषद की दो दिवसीय चिंतन शिविर अहमदाबाद में संपन्न हुई। विदर्भ जोन अध्यक्ष राजेश खक्कर ने उपस्थिति दर्ज कराई। प्रथम दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सतीश भाई विठलानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीतू ठक्कर, धर्मेश हरियाणी, जीतू लाल, मानद मंत्री हरीश ठक्कर, डॉक्टर सुरेश पोपट द्वारा मार्गदर्शन किया गया। दूसरे दिन के सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सी के ठक्कर एवं गुजरात के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती निभाबेन आचार्य की उपस्थिति रही। उनके स्वागत के पश्चात सभी समिति के अध्यक्ष ने मार्गदर्शन दिया। सभी जोन के अध्यक्ष का अपने विभाग का प्रस्तुतीकरण किया गया। आभार प्रकट के साथ चिंतन शिविर संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित गुजरात विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती निभाबेन आचार्य का अभिनंदन राजेश खक्कर द्वारा नागपुर की श्री लोहाना महाजन, श्री लोहाना सेवा मंडल, श्री जलाराम सत्संग मंडल संस्था द्वारा किया गया। जिला न्यायालय परिसर में निशुल्क पार्किंग का उद्घाटन मुख्य जिला न्यायाधीश एससी मोरे व नगर सेविका प्रगति पाटिल के हाथों किया गया। नागपुर जिला अधिवक्ता संघ ने न्यायालय के सामने करोड़पति गली के कोने पर अधिवक्ताओं के लिए निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की है। इस जगह में वकीलों की 100 कारें समा सकेगी। वार्ड की नगर सेविका प्रगति पाटिल ने अपनी निधि से लगभग 25 लाख रुपए की लागत से पार्किंग में वाहन खड़ा करने की व्यवस्था की है। इस अवसर पर न्यायाधीश सलमान आजमी, वकील संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट कमल सतुजा, सचिव एडवोकेट नितिन देशमुख, एडवोकेट वासुदेव कापसे, अफसर अली, रोशन बागड़े, शबाना दीवान, अफसर अंसारी आदि मौजूद थे। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर नागपुर महानगर पालिका द्वारा रोटरी क्लब ऑफ नागपुर वेस्ट रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3030 के सहयोग से बुधवार को इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर में निशुल्क रक्त शर्करा जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन उप महापौर मनीषा धावड़े ने किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष महेश महाजन, धर्मपेट जोन सभापति सुनील हिरणवार, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार, अतिरिक्त सहायक चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी, जोनल स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भावना सोनकुसले, इंदिरा गांधी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर नीलू चिमूरकर आदि उपस्थित थे। शिविर में नागरिकों का निःशुल्क रक्त शर्करा परीक्षण कराया गया। साथ ही हृदय रोग दिवस के अवसर पर नागरिकों को हृदय की देखभाल कैसे करें और इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर गहन मार्गदर्शन दिया गया। लॉकडाउन के चलते नागपुर महानगर पालिका पिछले 1.5 साल से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहा है। जो छात्र ऑनलाइन नहीं सीख सकते उन्हें उनके घरों पर जाकर शिक्षक शिक्षिका पढ़ा रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका के स्कूल में प्रत्येक छात्र को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए। इस संबंध में छात्रों के टैब वितरित करने का रास्ता साफ हो गया है। आज छात्रों के हाथों में टैब देना खुशी की बात है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए टैब निश्चित रूप से उन्हें नई तकनीकों से जोड़कर उनके क्षितिज को व्यापक बनाने में मददगार साबित होंगे। महापौर दयाशंकर तिवारी ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में नागपुर महानगर पालिका के छात्र किसी भी प्रतियोगिता में पीछे नहीं रहेंगे। बुधवार को मनपा के संजय नगर सेकेंडरी स्कूल व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया माध्यमिक विद्यालय में 10वीं कक्षा के छात्रों को महापौर दयाशंकर तिवारी एवं शिक्षा समिति अध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप दिवे के हाथों ई टैब वितरित किए गए। इस अवसर पर महापौर तिवारी भाषण दे रहे थे। इस अवसर पर खेल समिति सभापति प्रमोद तभा ने, गांधीबाग जोन सभापति श्रद्धा पाठक, शिक्षण समिति सदस्य संगीत गिहे, प्रभाग 24 नगर सेवक अनिल गेंडरे आदि उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।